गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर ब्रिजभान यादव. टुडे वी विल डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द CSIR, दैट इज द स्पीशिएशन. यू ऑल ऑफ नोइंग वेरी वेल, एवरी ईयर टू आर थ्री क्वेश्चंस ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द इवोल्यूशन. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इवोल्यूशन, यू शुड प्रॉपरली रीड द फ्यू इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लाइक स्पेशिएशन, नेचुरल सेलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स. टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्पेशिएशन. आज हम स्पेशिएशन के बारे में बात करेंगे. तो आज इसके बारे में हम जानेंगे व्हाट इज द स्पेशिएशन, क्या है स्पेशिएशन, कितने तरीके से होता है, नेचर में स्पेशिएशन से क्या फ़ायदा है. तो सो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशिएशन. तो स्पेशिएशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है स्पेशिएशन. पहली बात हमको यहाँ पे ये जानना है कि व्हाट इज द स्पेशिएशन, स्पेशिएशन किसे कहते हैं, स्पेशिएशन की डिफिनेशंस क्या है. जब हम स्पेशिएशन की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो आप कह सकते हैं स्पेशिएशन इज अ फिनोमेना थ्रू विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज टेक्स प्लेस. अब बात आती है कि स्पेशिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नई स्पीशीज की, एक नई प्रजाति का विकास होता है, दैट इज नोन एज द स्पेशिएशन. अब दूसरी बात आती है कि स्पेशिएशन के लिए कैसे हो जाता है, कौन सा फैक्टर काम करता रहता है. तो कहते हैं कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का जो विकास होता है, यानी नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन आता है, उसके लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं जो स्पीशीज के ऊपर काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंटिन्यूस उस स्पीशीज में परिवर्तन आता रहता है नेचर के अकॉर्डिंग. कभी डिसएडवांटेज करेक्टर भी अडॉप्ट करते हैं, कभी एडवांटेज करेक्टर अडॉप्ट करता है. इस तरह से क्या होता है, स्पीशीज में परिवर्तन आना शुरू करता है. एक स्पीशीज में इतना परिवर्तन जब आ जाए कि जब वो आपस में इंटरब्रीडिंग करना छोड़ दे, अपनी प्रजाति के अंदर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे और आउटब्रीडिंग करने लगे, तो नए प्रजाति का रूप ले लेता है, नई स्पीशीज का रूप ले लेता है, दैट इज नोन एज द स्पेशिएशन. सो स्पेशिएशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं नेचर में जो स्पीशीज के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं, जिनके वजह से उनमें परिवर्तन आता रहता है. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इवोल्यूशंस क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर द लॉन्ग टाइम्स परिवर्तन हमको स्पीशीज में दिखता रहता है. तो इस तरह से देखते हैं कि एक कोई नेचर में एग्जिस्ट करते स्पीशीज है, अगर उसके अंदर हम देखें, उस स्पीशीज के अंदर हम देखें, तो हम देखते हैं कि लगातार परिवर्तन होता रहता है. कभी मॉर्फोलॉजी में, कभी स्ट्रक्चरल होता है. लेकिन जो परिवर्तन अगर वो जीन लेवल तक पहुंच जाता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को चेंज कर देता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स को चेंज कर देता है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक स्पीशीज अपने स्पीशीज के मेम्बर्स में, अपनी पॉपुलेशन के अंदर इंटरब्रीडिंग करना छोड़ देता है और एक आउट ब्रीडिंग करने लगता है, न्यू स्पीशीज का रूप ले लेता है, दैट इज नोन एज द स्पीशिएशन. तो हम पहली बात जानेंगे यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पीशीज थ्रू ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. कई सारे फैक्टर स्पीशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. द रेट ऑफ स्पीशिएशन डिपेंड ऑन द जनरेशन टाइम्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. कहते हैं कि जो परिवर्तन आता है वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक पड़ा करता है. बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर परिवर्तन होता रहता तो एक स्पीशीज का से दूसरे स्पीशीज का विकास हो सकता है. और कंडीशंस जो इसके ऊपर अप्लाई किए वो कितना प्रभावी है उसमें परिवर्तन लाने के लिए, तो स्पीशीज इस पर भी डिपेंड करता रहता है. और कहते हैं कि स्पीशीज कैन कॉज्ड बाय द चेंज इन द जस्ट वन जीन्स और सेट ऑफ जीन्स. मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्पीशीज के अंदर परिवर्तन, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज का निर्माण हो जाना एक जीन में परिवर्तन भी कारण हो सकता है या कई परिवर्तन होने सहायता होता है. ओवरऑल देखा जाए द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, दैट इज नोन एज द स्पीशीज. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द CSIR, व्हाट इज द स्पीशीज. स्पीशीज की बात करते हैं हम. तो नेक्स्ट आपके सामने आता है, अगर आप देखें तो पहला तो ये हो गया स्पेशिएशन. दूसरी पॉइंट हमारे पास आती है, अगर देखे जाए
तो स्पेशिएशन। अब दूसरी पॉइंट आती है कि अगर हम स्पेशिएशन को जानना चाहते हैं तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्पीशीज क्या है, स्पीशीज की परिभाषा क्या है। अगर परिवर्तन किस लेवल तक आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि स्पेशिएशन हो गया है। स्पेशिएशन किस लेवल तक का हो जाए, स्पीशीज के अंदर परिवर्तन किस लेवल तक हो जाए कि जिसकी वजह से हम उसको कहें कि अब ये स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हमको एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, व्हाट इज़ द स्पीशीज। पहले स्पीशीज की पहचान क्या है, और वो आइडेंटिटी अगर वो स्पीशीज खो देती है तभी हम कह सकते हैं कि अब वो स्पीशीज नहीं रह गई है, वो दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई है। तो स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी गई है। उसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी होती है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की। तो हम देखते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है। द ग्रुप ऑफ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुज मेंबर हैव द पोटेंशियल टू इंटरवीड इन द नेचर एंड प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग, वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द CSIR। कहते हैं कि स्पीसीज की, वह स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज को कैसे आप जानेंगे कि ये स्पीसीज है या दूसरी स्पीसीज से अंतर है। तो स्पीसीज की सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी परिभाषा। जब स्पीसीज की हम बात करते हैं, डिफिनेशन करते हैं कि एक स्पीसीज, स्पीसीज आर दोज विच हैव द इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी, विच हैव द इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी। मतलब एक स्पीसीज अपने पॉपुलेशंस के बीच में ही इंटरब्रीडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहता है और आपस में ही रिप्रोडक्शन करता है, किसी दूसरी स्पीसीज के मेंबर के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करता है, और अपने मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन करता है और साथ साथ एक वायबल ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है। सो स्पीसीज की बेस्ट डिफिनेशन हो गई, स्पीसीज आर दोज विच हैव द इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी, विच हैव द इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी एंड टू प्रोड्यूस द वायबल ऑफस्प्रिंग। तो जब जिस दिन ये इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी वो स्पीसीज नहीं रह जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ बात आती है कि अगर किसी स्पीसीज के अंदर परिवर्तन लाना है, स्पेशिएशन लाना है, उसको दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट करना है, तो पहला काम करना पड़ेगा एनी हाउ हमको उसके रिप्रोडक्शंस को रोकना पड़ेगा। जब रिप्रोडक्शंस रुक जाएगा, आपस में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा और दूसरे के साथ आउटब्रीडिंग करने लगे, दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करे और वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने लगे, तब वो दूसरी स्पीसीज बन जाएगा। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला पॉइंट, अगर एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का निर्माण करना है, स्पीशिएशन हमको करना है, तो सबसे पहले हमको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करना पड़ेगा, उस स्पीसीज को अपने प्रजाति में अपनी प्रजाति के मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन करने से रोकना पड़ेगा। दैट इज़ इनब्रीडिंग शुड बी स्टॉप। और हमको प्रमोट क्या करना पड़ेगा, आउटब्रीडिंग, दूसरे स्पीसीज के सदस्य के साथ ये क्या करे, रिप्रोडक्शन करे। इसका मतलब स्पेसिएशन के लिए ज़रूरी है इनब्रीडिंग को स्टॉप किया जाए और आउटब्रीडिंग को प्रमोट किया जाए। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बायोलॉजिकल स्पीसीज साइंटिस्ट। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें अगर यहाँ पे देखते रहते हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी थ्योरी दी गई स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे कुछ थ्योरी दी गई, जैसे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि एक स्पीसीज की पहचान यह है कि जितने भी मेंबर एक स्पीसीज के होते हैं, दे ऑल आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, सिमिलर इन बॉडी शेप, सिमिलर इन द ऑल अदर एक्टिविटीज़। कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी रूप से बाहर से देखने पे इसकी स्पीसीज के सभी प्रजाति क्या होते हैं, एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है। सो यू शुड नो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द कैरेक्टराइज बाय द बॉडी शेप ऑफ द अदर स्पीसीज। अगर हम बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं कि ये भी तरीका एक आपका है। दूसरी बात हमारे सामने आती है इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है, स्पीसीज को डिफाइन करता है, कहता है कि इस एक स्पीसीज के सभी सदस्य अगर एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको हम एक स्पीसीज के सदस्य कह सकते हैं, ये भी स्पीसीज की पहचान है। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट कहता है कि फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उनमें कॉमन एंसेस्टर होता है,
शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनके जो एंसेस्टर होंगे मोर ऑर लेस सिमिलर होते रहते हैं, सिमिलर होते रहते हैं। इस तरह से देखा आपने कि डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए, डिफरेंट थ्योरी दिया स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए, बट यू शुड रिमेंबर बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्यों? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एक स्पीसीज की परिभाषा बताता है जेनेटिक लेवल पे। तो एक स्पीसीज की पहचान क्या है? इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन विच इंटरब्रीड विद द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, दैट इज नोन एज द स्पीसीज। तो हमें याद रखना है कि स्पीसीज की डिफिनेशंस क्या है। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करते हैं स्पीसीज की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर स्पीसीएशन के लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का निर्माण करना है तो सबसे पहले उस स्पीसीज को हमको रिप्रोडक्शन करने से रोकना पड़ेगा। अपनी में अपनी प्रजाति के सदस्यों के साथ वो कभी भी रिप्रोडक्शन ना करता है, क्योंकि अगर वो अपने प्रजाति के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा तो सेम उसी स्पीसीज के जो मेंबर हैं उनमें सेम करेक्टर्स आएगा, कोई जेनेटिक करेक्टर नहीं परिवर्तन आएगा, वो स्पीसीज का मेंबर बना रहेगा। अगर हमको एक नई स्पीसीज बनाना है तो हमको इनब्रीडिंग को रोक करके आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इनब्रीडिंग को रोकने के लिए पहला काम करना पड़ेगा उनके रिप्रोडक्शन को रोकने पड़ेगा, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करना पड़ेगा हमको, स्पीसीज को रिप्रोडक्टिव आइसोलेट करके उसको अलग करना पड़ेगा, उसको हमें अलग करना पड़ेगा। और अलग करने का तरीका क्या है? अगर एक स्पीसीज के कई सदस्य हैं, कई मेंबर्स हैं, पॉपुलेशन है, उनको आपस में मेल और फीमेल को रिप्रोडक्शन से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो तरह के बैरियर्स यूज किए सकते हैं, एक होता है प्री जायगोटिक बैरियर, दूसरा होता है पोस्ट जायगोटिक बैरियर। पहला प्री जायगोटिक बैरियर का मतलब क्या होता है कि उनको फर्टिलाइजेशन से रोको, मेल फीमेल को फर्टिलाइज करने से रोकना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमें आता है, अगर मान ली फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, तो जायगोट बन गया, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बन गया, अगर जायगोट बन भी गया है तो उसके मतलब उस जायगोट को सर्वाइवल ना फिटेस्ट ना होने दीजिए, वो जायगोट का डेवलपमेंट ना होने पाए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ना होने पाए, और अगर आप स्प्रिंग प्रोड्यूस हो तो इनफर्टाइल आप स्प्रिंग प्रोड्यूस हो, वायबल ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। इसका मतलब कि एक स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेट करने का दो तरीका होगा, प्री जायगोटिक एंड पोस्ट जायगोटिक। जब हम बात करते हैं तो देखते हैं प्री जायगोटिक एंड पोस्ट जायगोटिक। जैसे कहते हैं प्रिवेंट डिफरेंट स्पीसीज, प्री जायगोटिक में क्या डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द अटैचिंग टू द मैट, आपस में उनको मैटिंग करने से रोकने का प्रयास करिए। हिंडरिंग द फर्टिलाइजेशन, उनके फर्टिलाइजेशन को रोकने का प्रयास करिए। अगर बाई द वे चलिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जायगोट बन गया, तो हमें पोस्ट जायगोटिक बैरियर्स के बारे में बात करते हैं कि उनको कैसे रोक सकते हैं। तो डेवलपमेंटली अगर उनको डेवलपमेंट को प्रॉपर ना होने पाए, दूसरी बात होती है बर्थ डिफेक्ट, उनके अंदर क्या हो, डिफेक्ट आ जाए जिसके अंदर आप स्प्रिंग की डेथ हो जाए। और अगर मालिश के बाद भी अगर प्रोड्यूस हो रहा है यंग वंस तो इनफर्टाइल आप स्प्रिंग, वो वायबल ना हो, सस्टेन ना कर पाए एनवायरमेंट्स में। इस तरह से देख सकते हैं कि एक स्पीसीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करना है तो हमारे पास दो मेथड हो गए, प्री जायगोटिक एंड पोस्ट जायगोटिक की बात करते हैं। एक होता है प्री जायगोटिक, दूसरा होता है पोस्ट जायगोटिक। इस तरह से हमने देखा कि हमको एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर्स को हम आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर पाते हैं। जब हम उनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करेंगे, वो आपस में मैटिंग नहीं करेंगे, तो देयर इज ए चांस क्रिएट, एक चांस क्रिएट हो जाएगा कि दे विल बी ट्राई टू मेट विद द अदर मेंबर ऑफ द स्पीसीज, वो आउटब्रीडिंग करने का प्रयास करेंगे, दूसरी प्रजाति के सदस्य के साथ मैटिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके अंदर क्या होगा, नया करेक्टर्स आएगा और एक नई स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो, अगर आप हम देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं तो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, और आगे हम देखते हैं कि ये प्री जायगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करने का तरीका बताया गया है। दूसरी बात आती है टाइप ऑफ स्पीशिएशन। तो इस तरह से हमने पिछली स्लाइड में ये देखने का प्रयास किया और ये जान लिया कि अगर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का निर्माण करना है तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जीन फ्लो को रोकना पड़ेगा, जीन फ्लो को रोकना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट करना पड़ेगा, इनब्रीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना होता है। इस तरह से हम देखेंगे आउटब्रीडिंग को प्रमोट करेंगे, जब दूसरे स्पीसीज के साथ वो मैटिंग करेगा
तो एक क्या होगा, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है क्रोमोजोम चेंज हो जाएंगे। जब क्रोमोजोम चेंज हो जाएंगे तो उनके अंदर करैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, और करैक्टर्स चेंज हो जाएंगे तो नई प्रजाति का निर्माण हो जाएगा, नई स्पीसीज का निर्माण हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि अब बात आती है कि स्पीसीज, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का निर्माण होना, द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन टेक्स प्लेस करता है बाई आइसोलेटिंग द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन टू चेक द इनब्रीडिंग रिप्रोडक्शंस। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कितना रोल निभाता है और कौन कौन से फैक्टर स्पीशिएशन को मदद करते हैं। तो जब हम टाइप ऑफ स्पीशिएशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीशिएशन तीन तरीके से होता है। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन। पहला होता है एलोपैथिक स्पीशिएशन, दूसरा होता है पैरापैथिक स्पीशिएशन, तीसरा होता है सिंपैथिक स्पीशिएशन। और CSIR के लिए एलोपैथिक, पैरापैथिक और सिंपैथिक, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एरिया। CSIR में कई बार एलोपैथिक स्पीशिएशन पूछ चुका है, पैरापैथिक स्पीशिएशन पूछ चुका है, सिंपैथिक स्पीशिएशन आते हैं। तो यह हम जानते हैं कि सबसे पहले कि एलोपैथिक स्पीशिएशन क्या होता है। जब एलोपैथिक स्पीशिएशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द जियोग्राफिकल बैरियर, यानी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का निर्माण होना और जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। जियोग्राफिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कहा माउंटेन, ओशन, डिजर्ट्स, लार्ज प्लेट्यू। कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या हो सकता है कि मेल फीमेल से मैटिंग ना कर पाए, आपस में मैटिंग ना कर पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ एलोपैथिक स्पीशिएशन की, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हिमालय, अगर एक प्लांट मेल प्लांट हिमालय के इस तरफ है और फीमेल प्लांट हिमालय के उस तरफ है, तो मेल प्लांट का कभी भी पॉलन, चूँकि हिमालय की ऊँचाई बहुत ज़्यादा, तो पॉलन कभी भी विंड के द्वारा हिमालय के उस पार नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी उधर जाएगा टकरा के इधर ही आ जाएगा। तो पॉलन कभी भी फीमेल की तरफ जा नहीं पाएगा, उस माउंटेन को क्रॉस करके फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जियोग्राफिक भौगोलिक एरिया, जैसे माउंटेन है, पहाड़ एक बैरियर काम कर दिया मेल और फीमेल प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन का। तो मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, तो फीमेल क्या करेगा वहाँ पे किसी दूसरे प्लांट के साथ, किसी दूसरे मेल प्लांट के साथ, दूसरी स्पीसीज के मेल प्लांट के साथ में क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। देयर इज अ चांस क्रिएट, वो आउटब्रीडिंग कर सकता है। अगर इस तरह से कोई आउटब्रीडिंग कर लिया तो आप देखेंगे जब वो आउटब्रीडिंग कर लेगा तो उसमें क्या होगा, नया करैक्टर आने लगेगा, उसका क्रोमोजोम नंबर बदल जाएगा, क्रोमोजोम बदलेगा तो जीन बदल जाएगा, जीन बनेगा तो करैक्टर बदल जाएगा, करैक्टर बदल जाए तो मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हिमालय के उस तरफ जो फीमेल प्लांट था वो नए प्लांट को डेवलप कर सकता है, नई स्पीसीज बना सकता है। तो इसे कहते हैं एलोपैथिक स्पीशिएशन। जैसा कि हमने आपको बताया एलोपैथिक स्पीशिएशन में क्या करता है, जीन फ्लो इज इंटरप्टेड व्हेन पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू जियोग्राफिकल आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, दैट इज जियोग्राफिकल बैरियर। तो जब भी आपके CSIR में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है एलोपैथिक स्पीशिएशन इज डिफाइंड बाई, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी जियोग्राफिकल बैरियर्स का आए नाम वहाँ पे समझिएगा एलोपैथिक स्पीशिएशन होता है। इसका नेचर में बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डार्विन फिंचेस। जो डार्विन फिंचेस पाई जाती थी कहाँ पे? डार्विन फिंचेस बेसिकली पाई जाती थी आपकी, डार्विन फिंचेस कहाँ पाई जाती थी? डार्विन फिंचेस आपकी साउथ अमेरिका में पाई जाती थी, और साउथ अमेरिका से गैलापागोस सी आइसलैंड पे पहुंच गई, और बीच में क्या था, पैसिफिक ओशन पाया जाता था, पैसिफिक ओशन जो एक बैरियर की तरह काम करता था, जो ये क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता था, एक बैरियर की तरह स्पीशिएशन में काम करता था एलोपैथिक। अगर आप देखें तो एक बैरियर की तरह काम करता था, अगर आप यहाँ देखें तो मैं आप एक एलोपैथिक स्पीशिएशन में, तो जो डार्विन फिंचेस पाई जाती थी वो साउथ अमेरिका में पाई जाती थी, और वो गैलापागोस आइसलैंड पे चली गई, और जब चली गई तो बीच में समुद्र क्या हुआ, एक बैरियर काम करने लगा पैसिफिक ओशन, जिसकी वजह से वो आपस में लौट के आ नहीं पाए। तो जो उसके मेंबर्स, जो डार्विन फिंचेस के कुछ मेंबर्स जो गैलापागोस आइसलैंड पे चले गए, वो वहीं पे रिप्रोडक्शंस करने लगे और दूसरे मेंबर्स से रिप्रोड्यूस होने लगे, आउटब्रीडिंग करने लगे और नई स्पीशिएशन को प्रमोट करने लगे।
और बीच में वो लौट के इसलिए नहीं आ सकते थे कि उनके बीच में बैरियर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो थी उनको तय करनी पड़ती थी समुद्र को पार करना। तो डार्विन फिजियस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथिक स्पीशीज। दूसरी बात आती है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आपका रहता है जिसको आपको बताना चाहूँगा, सिम्पैटिक स्पीशीज। सिम्पैटिक स्पीशीज, अगर हम सिम्पैटिक स्पीशीज की बात करें तो सिम्पैटिक स्पीशीज अकर इन द सेम पॉपुलेशन। कहते हैं कि एलोपैथिक स्पीशीज, हमने देखा कि एलोपैथिक स्पीशीज क्या होता है कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज का निर्माण एक लॉन्ग डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद जियोग्राफिकल बैरियर आने के बाद परिवर्तन को दिखा। लेकिन सिम्पैटिक में कहा जाता है कि पॉपुलेशन उसी रीजन में रहती है, मेंबर्स वहीं रहते हैं, सडन उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है उनके जीन्स में, इनके डीएनए में, इनके क्रोमोजोम में। तो इस तरह का जब परिवर्तन हमको सडन दिखने लगता है तो हम पाते हैं कि इस परिवर्तन के अंदर, जब ऐसा परिवर्तन होता है तो सबसे पहले जो जीन के अंदर परिवर्तन होता है वो आपस में रिप्रोडक्टिव करना छोड़ देते हैं, वो इंटरब्रीडिंग मैटिंग करना छोड़ देते हैं, वो आउटब्रीडिंग की तरफ प्रमोट करते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिम्पैटिक स्पीशीज अकर इन द दोज पॉपुलेशन विच आर लिविंग इन द सेम एरिया बट ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसी, डीएनए और क्रोमोजोम्स, वट एवर चेंज जिस टेक्स प्लेस इन द पॉपुलेशन एट द जेनेटिक लेवल, दैट मे बी द कॉज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सडन कोई परिवर्तन आ जाए, सभी मेंबर्स एक पॉपुलेशन के वहाँ पाए जाते थे और सडन क्या हुआ, एक परिवर्तन आ गया और स्पीसी वो सभी कुछ मेंबर के अंदर परिवर्तन आ गया और वो कुछ डिफरेंट दिखने लगे, एक नए स्पीसीज का निर्माण करने लगे। जैसे नेचर हमको दिखता है पॉलीप्लाइडी, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लैब के अंदर, जितनी भी नेचर के अंदर देखते हैं कि वो क्रॉस ब्रीडिंग कर लेते हैं आपस में, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कर लेते हैं और एक नई स्पीसीज का डेवलपमेंट कर देते हैं। और या फिर एक तरीका हो सकता है सेक्सुअल सेलेक्शन, देखिए आप इंपॉर्टेंट है हैबिटेट डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पॉलीप्लाइडी, हैबिटेट डिफ्रेंसिएशन और सेक्सुअल सेलेक्शन, ये तीनों कारण हो सकते हैं सिम्पैटिक स्पीशीज़ के। जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो एक स्पेसिफिक मैटिंग करने लगे, दूसरे ग्रुप के मेंबर करने लगे, तो ये भी काम हो सकता है सिम्पैटिक स्पीशीज़ उसी प्लेस पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिम्पैटिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ व्हिच टेक्स प्लेस विद इन द सेम रीजन ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक लेवल, एलील लेवल। सो सिम्पैटिक स्पीशीज़ आर सीन इन द नेचर्स, बहुत सारा सिम्पैटिक स्पीशीज हमको नेचर में दिखता है, जैसे हमने कहा पॉलीप्लाइडी, एलो पॉलीप्लाइडी, ऑटो पॉलीप्लाइडी। तो जो एलो पॉलीप्लाइडी है आपका है, जो पॉलीप्लाइडी हमको दिखता है वो सिम्पैटिक स्पीशीज का एग्जांपल हमको दिखता रहता है। सो हमको ये सब रिमेंबर किए रहना चाहिए। तीसरी बात हमको एक इंपॉर्टेंट आती है, पैरापैटिक स्पीशीज होता है। पैरापैटिक स्पीशीज को कहा जाता है कि एलोपैटिक और सिम्पैटिक के बीच की कंडीशन होती है। जैसे मैंने कहा कि जो एक ही प्लेस पे म्यूटेशंस के कारण एक नई स्पीशीज का निर्माण करते से कहते हैं सिम्पैटिक, जो जो बहुत दूर जाके जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं हम एलोपैथिक स्पीशीज। और जब एक ही जगह एक ही पॉपुलेशंस के बीच में एक ही जगह पे स्पीशीज के पॉपुलेशंस रहते हैं और वहाँ से कुछ दूर, थोड़ी दूर अपने हैबिटेट को छोड़ के बगल के निश, बगल के हैबिटेट में जाते हैं और अपने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को चेंज करते रहते हैं, यानी वो अपने आप को इनब्रीडिंग से चेंज करते रहते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करते रहते हैं। जैसे कुछ मेंबर एक जगह पाए जाते हैं, उसमें से कुछ मेंबर कहीं दूर चला जाए, बहुत दूर जाके नहीं, कुछ पास के दूर में चला जाए, नियर हैबिटेट में चला जाए और अपने बिहेवियर में चेंज करना शुरू करे, अपने प्रजाति के लोगों से रिप्रोडक्शन ना करे और न्यू और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने लगे, तो इसे कहते हैं पैरापैट्रिक स्पेशिएशन हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पैरापैट्रिक स्पेशिएशन भी होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब पैरापैट्रिक अकर व्हेन ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंटर इज अ न्यू हैबिटेट। मैंने कहा कि ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ मेंबर एक न्यू हैबिटेट में इंटर कर जाते हैं, बॉर्डरिंग द रेंज ऑफ द पैरेंट स्पीशीज, मतलब कि उस एरिया को क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं जहाँ पे इनब्रीडिंग करते रहते हैं और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने लगते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आउटब्रीडिंग किसको प्रमोट करता रहता है, ऑलरेडी हमेशा क्या करता रहता है कि न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन को प्रमोट करता रहता है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कि एलोपैथिक स्पीशीज क्या होता है, पैरापैथिक स्पीशीज क्या होता है, सिम्पैटिक स्पीशीज क्या होता रहता है। तो दिस ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। जब स्पीशीज की हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। जैसे ये टाइप्स ऑफ स्पीशीज को दिखाया गया, कैसे ये अलग होते रहते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफ स्पीशीज। अगर हम अगली बात करें तो
ये टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ दे आर डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। सो ओवर यहाँ पे दिखाया गया है एलोपैथिक, पैरापैथिक और सिंपैथिक स्पेशिएशन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप देखें कि कैसे ये आइसोलेट हो रहे हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं एलोपैथिक, पैरापैथिक और सिंपैथिक स्पेशिएशन क्या होता है। बेसिकली ये तीन तरह का होता है, कभी कभी एक टर्म और जुड़ा जाता है पेरीपैथिक। तो पेरीपैथिक कहते हैं एडवांस फॉर्म ऑफ द पैरापैथिक, यानी थोड़ी और दूर चले जाना, नियर हैबिटेट से और आगे बढ़ के अगर ये नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो दैट इज नोन एज द पेरीपैटिक स्पीसीज। तो आप देख सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द